ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਰੀਕੀ ਨਿਗਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਿਲਸਮਤ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਿਲਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੋਗੋ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਨਿਗਰੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक अफ्रीकन इनके पास एक बीमार था, कोई ट्रीट नहीं करता था उसको, तो हमारे दादा जाके उसको पहले ट्रीट किए और वो ट्रीट करने के बाद वो ठीक हो गया और वो एक्चुअली अफ्रीकन जैसे जमाने में काफी स्ट्रांग होते थे। 100 साल लंघ चुके ने फिर भी हैदराबाद के आखिरी निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर दे ताज दी ते एक अफ्रीकी निगरो दी तस्वीर हुण भी जिंदा तिलस्मत दे डब्बे ते वेखी जा सकती है। ए लोगो भरोसे ते तंदुरुस्ती नूं दर्शाउंदा है। समय दे नाल नाल ए लोगो दूर दूर तक भरोसेमंद दवाई दी पछाण बन गया। महामारी दे इस युग विच वड्डी गिणती च लोग आयुर्वेदिक ते यूनानी दवाईयां खरीदन आउंदे ने। फेस मास्क ते सैनिटाइजर दी वरतों करन तों इलावा तेलगू राज्यां च बहुत सारे लोग जिंदा तिलस्मत नूं वी लै रहे ने, क्योंकि उन्हां दा मनना है कि ये कोविड-19 विच प्रभावशाली है ते बचाव करन वाली है। जब से मेडिकल खुला है जिंदा तिलस्मत की फरोख्त किया जाता है और आवाम भी इससे खास फायदा हासिल कर रहे हैं। मैं भी खुद भी ذاتی طور پر इसका इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बड़े मुफीद फायदे हैं। कई अमराज के लिए मसलन सर्दी है, खांसी है और जो मौसमी बीमारियां आते हैं उसके लिए भी बहुत मुफीद है। जिंदा तिलस्मत दी खोज मरहूम हकीम मोहम्मद मौजुद्दीन फारूकी ने 1920 च कीती सी। 100 साल लंघ गए ने, ए दवाई अजे भी आम लोगों च प्रसिद्ध है। जिंदा तिलस्मत नु यूनानी जड़ी बूटियां दे मिश्रण तो बनाया गया। इस दी वरतों सर्दी, खंघ, गले च दर्द ते कई मामूली या मौसमी फ्लू दे इलाज लई कीती जांदी है। उत्तर भारत च इस नु एक प्रसिद्ध दवाई मन्या जांदा है। अभी क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है कोविड के चक्कर में, तो लोग हमारे से पूछ रहे हैं कि ये पी भी सकते हैं, हालांकि हम शुरू से बोलते हैं कि ये पीने की दवा है। ये ऐसी दवा है जो मैं समझता हूँ बहुत ही कम, जैसा हम न्यू बॉर्न बेबीज आप मदर्स मिल्क में मिला के पिला सकते हैं, उनको उसके ऊपर यूज करते, प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर यूज पी सकते हैं। जिंदा तिलस्मत के खोजी हकीम मोहम्मद अहमद उद्दीन फारूकी ने शिकागो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से दवाई ते सर्जरी की पढ़ाई की सी। अपना शोध पूरा करने तो बाद वो हैदराबाद परते। उन्होंने हैदराबाद के मोती बाजार च अपनी दवाई की दुकान शुरू की। बाद च उन्होंने शोध केंद्र भी खोलिया जिस च उन्होंने जिंदा तिलस्मत की खोज की। अपने बचपन से मुझे इस्तेमाल करवाया जा रहा था और अब मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी इस्तेमाल करवाता हूँ, बच्चों को और नवासियों को सबको इस्तेमाल करवाता हूँ अल्लाह के फजल से। और घर में एक बॉटल हमेशा रहती है हमारे पास और जब चाहे यानी जब भी ज़रूरत पड़ी, ऐसी छोटी मोटी बीमारी हुई तो फौरी तौर पर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि इसी जिंदा तिलस्मत को पानी में डाल के पिला देते हैं। कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ते महाराष्ट्र वर्गे देश के वख-वख सूबियां च जिंदा तिलस्मत की सप्लाई करती है। विशेष आदेश मिलन ते दवाई अमरीका, साउदी अरब ते आबू धाबी भी भेजी जाती है। फैक्ट्री का नाम जिंदा तिलस्मत है ते हैदराबाद के गुआंढ च स्थित है। फारूकी मंजन ते जिंदा बाम वर्गियां कई होर चीजा भी इस कंपनी ने बनाईया ने जो दूर दूर तक मशहूर ने। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.